नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं। अब एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल हो गया है। ओवैसी ने कहा है कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हुए एनकाउंटर्स में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम शामिल है, जबकि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 18 से 19% है। तो बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने मन से बोलते हुए कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। तो अब कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या अब अपराधियों की जात देखकर कार्रवाई होगी? अपराधियों के ऊपर राजनीति कहां तक सही है? तो साफ तौर पर ये सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो वोट बैंक के लिए खाकी का मनोबल क्यों राजनेता गिराते हैं? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहां पर जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही प्रवक्ता बीजेपी और अजमल खान प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अश्वनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इल्जाम यहां पर लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से यूपी में जो एनकाउंटर का सिलसिला है और जिस तरीके से यहां पर जो मरने वालों की बात की जा रही है AIMIM की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिमों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? अब जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे कि दूरियां बढ़ें। अब वो आप इस चीज को महसूस करने वाली बात है कि अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। अपराधी अगर अपराधी जो है जाति धर्म देखकर कोई अपराध करता है या उसको देखा जाए तो फिर पुलिस का महकमा एकदम लाचार हो जाएगा। हर चीजों के ऊपर कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग चर्चा करते आ रहे थे, मैं कहना चाहूंगा बाटला हाउस में आज ही एक आरिज को फांसी हुई है। अब वहां पर जज साहब को क्या देखना चाहिए था कि ये अल्पसंख्यक है, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए? वो अपराधी पाया गया, उसको न्याय ने फांसी दिया। कसाब थे, कसाब को फांसी देने का काम न्यायालय ने किया। उसी तरीके से चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, हिंदू में भी कई जातियां हैं, हिंदुओं में भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, इनको भी अगर अपराधी हैं तो उनको न्याय संगत तरीके से, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में ठोको नीति लागू की गई है तो उसमें अपराधी डरे हैं, संगठित अपराध खत्म हुआ है। और अगर जो अपराधियों की वकालत करता है, जिससे मैं ओवैसी साहब भी हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं, अगर इनको सिर्फ अपराधियों को साथ लेकर चलना है, वकालत करना बंद करें, राजनीति करें जो एक शुद्ध और अंतःकरण से करें, शुद्ध वातावरण में करें। जी, अजमल खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। अजमल जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने अश्वनी जी की बात भी यहाँ पर सुन ली, क्या अपराध की जाति देखकर यहाँ पर अपराधी की जाति देखकर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि वो उसे किस तरीके की सजा देनी है? अजमल जी, सुन पा रहे हैं आप? अजमल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अजमल जी से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अश्विनी जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, लगातार देखा गया है कि इस तरीके की बयान जब निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो यहां पर टूटता हुआ नजर आता है, चाहे वो प्रशासन की बात हम कर लें, चाहे वो हमारे सिपाहियों की हम बात कर लें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल जी, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार सवाल उठाया आपने। मनोबल टूटता है जो सिपाही अभी अपराधी, एक कानपुर में बड़ा चर्चित बिकरू कांड हुआ था, बड़े सवाल उठे थे, वहां पर जो पुलिस वाले शहीद हुए उनका मनोबल टूटता है कि नहीं टूटता है, ये मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से। इस तरीके की भाषा अगर किसी भी जनसभा में वो लोग बोलते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं और अपने पुलिस के जवानों का, प्रशासन का, जो कि दिन रात अपने घर अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी देते रहते हैं, उनका मनोबल को ये गिराने का काम करते हैं। इस तरीके की राजनीति
वाकई गंदी राजनीति है और तुष्टीकरण में इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी जी को अपनी जमीन बनानी है तो अपने कुछ अच्छे कामों को लेकर आवे। उनके भाई इस तरीके का बयान हैदराबाद में देते हैं कि पुलिस को हटा लीजिए 15 मिनट, और यहां पर वो बलरामपुर में आकर इस तरीके की भाषा बोलते हैं। जाएं वो हिंदू, जरा एक हिंदू सभा भी तो करके दिखाएं। क्यों वो जाते हैं सिर्फ मुस्लिम सभा में? क्योंकि वो मुस्लिम पार्टी चलाते हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के कुछ नए छोटे दल जो हैं, जो कि एक सत्ता में रसूख की चाहत रखते हैं, वो लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति में और अल्पसंख्यकों के साथ उनका जो क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों का सौदा करते हैं एक तरह से। जो हमारे अल्पसंख्यक भाई राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं, उस राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भाइयों को वो लोग बरगलाने और भटकाने का काम करते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है साहिल जी, इनका कोई न दीन है न धर्म है न कुछ है। चलिए अजमल खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। अजमल जी क्या कुछ कहेंगे, आपने अश्वनी जी को भी सुना और जिस तरीके से, क्या इस तरीके की राजनीति करना यहाँ पर उचित लगता है कि एक अपराधी मुस्लिम है या हिंदू है, इस पर यहाँ पर बयानबाजी हो रही है? 50 मिनट की तकरीर में ओवैसी साहब ने 2 सेंटेंस इस पर भी कहा है। अभी ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। राजभर जी इनके साथ रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे तो बहुत अच्छा, हमारे साथ आ जाए तो गलत हो जाए। जो बात ओवैसी साहब ने कही है वो एक सवाल मुख्यमंत्री से पूछा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनसे सवाल करना हमारा अधिकार है। उनसे सवाल किया है ना, किसी पुलिस का मनोबल तोड़ा है ना कोई बात कही है, और जो बात उन्होंने कही वो तमाम अखबारों में छपी है। क्या उस परसेंटेज से इनकार कर सकते हैं? क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एक दिन के प्रोटेस्ट पे CA के अगेंस्ट, एक दिन के प्रोटेस्ट पे, एक ही दिन के प्रोटेस्ट पे 3-3 मुकदमे दर्ज हुए, उसी मुकदमे पे गुंडा एक्ट लगाया गया, उसी मुकदमे पे गैंगस्टर लगाया गया, अदालतों ने आर्डर पास किया, उसी मुकदमे पे देशद्रोह लगाया गया, ये क्या हो सकता है? क्या गुंडा कौन होता है उसकी डिफिनीशन गुंडा एक्ट में है, गैंगस्टर कौन होता है उसकी डिफिनीशन गैंगस्टर एक्ट में। एक दिन आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई किसी तरह का अपराधिक इतिहास नहीं, उसी प्रोटेस्ट में सारे एक्ट लगा दिए जा रहे हैं, उसे गुंडा भी बना दिया जा रहा है, गैंगस्टर भी बना दिया जा रहा है, उसके पोस्टर चौराहों पे लगा दिए जा रहे हैं, उसे अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। ये नहीं हुआ है क्या सबके सामने? इसमें कौन सी गलत बात कह दी? और रहा सवाल पुलिस का मनोबल बिगाड़ने का, तो पुलिस पे तो कोई सवाल किया नहीं। इस प्रदेश के मुखिया से ये बात कही गई है और उन्होंने ये सवाल किया है, तो क्या गलत किया है इसमें? अश्वनी जी सुन रहे हैं आप, जिस तरीके से अजमल खान जी का कहना है कि पुलिस के मनोबल पर यहाँ पर सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि जो प्रदेश के मुखिया है यानी सीधे सीधे CM योगी आदित्यनाथ पर यहाँ पर सवाल उठाए गए। जी बहुत बढ़िया, अजमल साहब से मैं बड़ी विनम्रता से ये पूछना चाहूंगा कि ओवैसी साहब ने सवाल उठाए, वो जनसभा कर रहे थे, 50 मिनट की तकरीर किया हो, 1 मिनट का ये किया हो, उसका वो मतलब नहीं रखता है। उनको ये भी कहना चाहिए कि जो हमारे जो पुलिस वाले मारे गए इन अपराधियों की गोलियों से, उनके प्रति संवेदना व्यक्त किया क्या उन्होंने? मैं पूछना चाहूंगा अजमल साहब से, कहीं पर उन्होंने ये कहा कि 48 जो राजपूत और वैश्य और अनुसूचित जाति के अपराधी मारे गए हैं वो क्यों मारे गए हैं? उस पर सवाल उठाया इन्होंने? इन्होंने सिर्फ उठाया कि 37% मुसलमान को मारा गया है। अगर अपराधी मुसलमान है, अपराधी हिंदू है, अपराधी है, उसको अगर उसका अपराध है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही कह दिया था, अपराधी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, या तो वो जेलों में जाएं या प्रदेश छोड़ दें, और नहीं तो जहां पर पहुंचाना है उनको पुलिस पहुंचा देगी। ये उन्होंने सीधा संदेश दिया। और मैं ये बड़े फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी एक मुख्यमंत्री ने इस कदर फैसला लेने की हिम्मत दिखाई, जिसमें वो मजबूत दिल, मजबूत जिगर और मजबूत फैसले का एक सानी रही रखता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने किया, किसी के पास और नहीं है। बाकी लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति होती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया। और आज हमारा प्रदेश 4 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, संगठित अपराधों से दूर। आज मैं कहूंगा मुख्तार अंसारी भी मुसलमान है, अपराधी है या नहीं है? अतीक अहमद भी मुसलमान है, अपराधी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है अजमल साहब से पूछ लीजिए। जी साहिल जी, तो अश्वनी जी जिस तरीके से ब्रेक
पे जाने से पहले भी हमने चर्चा की थी और अजमल जी ने भी जिस तरीके से जवाब दिया था। अजमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर कि क्या जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर हो रही है, अपराधियों को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या वो सही लगता है आपको? किस अपराधी का नाम लिया गया, किस अपराधी को लेकर राजनीति की जा रही है? तमाम अपराधियों की बात यहाँ पर की गई, तमाम तरह के अपराधियों की बात यहाँ पर की गई। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, नहीं आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके का सामने से आप मेरे को पूछ रहे हैं, मैं आपको पहले सवाल समझा दूं ना। आप पहले सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल मालूम है आपका, तो बिना सवाल सुने आप जवाब देंगे? सुनिए जवाब। नहीं, बिना सवाल सुने जवाब देंगे आप? नहीं सुन सक, सवाल किया ना तब बोलना शुरू किया। नहीं, आपने सवाल सुना? आप मेरे से पूछ रहे हैं कौन से अपराधी की बात हो रही है? आपके नेता वहाँ पर बयान दे रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वापस? नहीं बोलने देना चाहते तो क्यों बुलाते हो? कौन आपको बोलने नहीं देना चाह रहा? अजमल जी, हमने आपको यहाँ पर जवाब के लिए ही बुलाया है, लेकिन पहले आप सवाल सुनेंगे ना, उसके बाद जवाब देंगे। सवाल किया है तो सुनो। नहीं, पहले आप ही बोल लीजिए, बोलिए। पहला सवाल सुन लिया, बीच में मत टोको। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। पहला सवाल सुन लिया, अपराधियों को लेकर, अपराधियों को लेकर कौन सी राजनीति हो रही? आज के इंडियन एक्सप्रेस में पेज नंबर 3 पे खबर छपी हुई है, एडीजी ला प्रशासन के हवाले से वही बात उन्होंने कही है कि जो 6000 के आसपास इनकाउंटर हुए, 135 लोग मारे गए, सारे 13 पुलिस वाले मारे गए, यही बात ओवैसी साहब ने कही है। ओवैसी साहब ने एक हवाला दिया कि यूपी में 18-19% मुसलमान बसते हैं, इनकाउंटर में मारे गए, 37% यही बात कही है। इसमें अपराधियों को लेकर कौन सी राजनीति हो रही? क्या इससे आप एनकाउंटर किनका होता है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, एनकाउंटर किनका होता है? अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होता है? अरे भाई, इनकाउंटर किसी का नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर ला की भाषा नहीं है। इनकाउंटर का मतलब है कि अगर अपराधी मार रहा हो पुलिस वालों को, तब इनकाउंटर होगा ना। ठोक देने की भाषा तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे? अरे सुनो तो यार, अब बीच बीच में बोलोगे तो फिर मैं नहीं जाऊँ। कौन डिसाइड करेगा बता रहा हूँ ना, अदालतें डिसाइड करेगी। बताइए चीज तो बीच में ठोकोगे, एक सेंटेंस पूरा नहीं होने दोगे। इनकाउंटर करने के लिए पुलिस नहीं है। चीफ मिनिस्टर बोलता है कि अपराधियों को ठोक दो, ठोकने की भाषा चीफ मिनिस्टर की होगी? कानून किस लिए बने, अदालतें किस लिए बनी? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और लोगों को अरेस्ट करके कानून के हवाले करना। जिस तरह की सजा होगी, फांसी होगी, उम्र कैद होगी। ठोकते जाओगे इस पे, जो सवाल भी ना किया जाए चीफ मिनिस्टर से सवाल किया गया है कि ये हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने नहीं बोला असेंबली के फ्लोर पे कि अपराधियों को ठोक देंगे, उस पर सवाल हो रहा है, इसमें कौन सी बात हो गई? और जिस जो संविधान यहाँ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनाता है, इलेक्शन कराता है, वही संविधान अपोजिशन के लीडर को सवाल करने का हक देता है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ हैं बहुत अच्छा है, कृष्णा पटेल की बेटी अगर अपना दल की अगर बीजेपी के साथ है बहुत अच्छा है, कृष्णा पटेल जी हमारे साथ हैं तो गड़बड़ है, अगर रामकरण कश्यप उनके साथ हैं तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ हैं तो गड़बड़ है, प्रेमचंद प्रजापति उनके साथ हैं तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ हैं तो गड़बड़ है, इसमें तुष्टिकरण की कौन सी बात हो गई? हो गई आपकी बात पूरी हो गई यहाँ पर? पूरी हो गई आपकी बात? मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये था, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर अपराधियों के लिए बात कही है और सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल यहाँ पर किया है, तो आपको मुख्यमंत्री की शब्दावली से परेशानी है? यानी कि अगर वो ठोको शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपराधियों के लिए, मुख्यमंत्री की शब्दावली, अगर मुख्यमंत्री कहेगा कि ठोक दो तो उसका रिपरकशन सामने, अपराधियों को ठोक दो, ये अभी आपने खुद कहा, अपराधियों को ठोकने की बात उन्होंने यहाँ पर की है, तो आपको शब्दावली से परेशानी है? अपराधियों को ठोका नहीं जा सकता, अपराधियों को इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में फाइल होगी, ठीक, और उसके बाद उनकी जाति और उनके उसके बाद उनकी जाति यहाँ पर देखी जाएगी कि वो मुस्लिम तो नहीं है या वो हिंदू तो नहीं है। चलिए अश्विनी जी, मुझे तो इनकी बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमें भी समझा दीजिए। और जरा जी जी भी नहीं जी अश्विनी जी बोलिए। साहिल जी देखिए, आपने एक सीधा सा सवाल किया कि अपराधियों को क्या करना चाहिए और जाति क्यों देखनी चाहिए, और हमारे अफजल साहब जो है, चूंकि इन लोगों के दिलो दिमाग में ये घुस चुका है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम कराकर हम 2-4 सीटें ले लेंगे, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इनकी बौखलाहट अजमल साहब की ये बता रही है कि एकदम ये बौखला गए आपके सवाल से। देखिए मेरा सीधा सा, साहिल साहब, मैं आपको सिलसिलेवार चीजें बताना चाहता हूं और अजमल साहब भी सुन ले थोड़ा सा। देखिए राजनीति, कोई किसी दल में गया, हमारे साथ था, आज मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैंने बुरा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर 19% आप कह रहे हैं
ये 19% हमारे मुस्लिम भाई हैं, उसमें से 37% का जितने अपराधी मारे गए उसमें 37% जो है हमारे मुस्लिम भाई को मारा गया। मेरा एक सीधा सा सवाल था कि क्यों नहीं उस 13 पुलिस कर्मी जो मारे गए थे एनकाउंटर हुआ जब, उनके बारे में क्यों नहीं कहा? 950 जो पुलिस वाले मेरे घायल हुए उनके बारे में भी पूछना चाहिए सवाल। 48 राजपूत वैश्य और दूसरे जातियों के जो अपराधी एनकाउंटर में मारे गए उनके बारे में भी सवाल पूछना चाहिए, बताना चाहिए था उनको। ये सिर्फ बलरामपुर में जहां वो सभा कर रहे थे, वो मुस्लिम सभा एक थी जहां पर राजभर जी भी अपनी जड़ तलाश रहे हैं कि भाई चलो हम लोग मिलकर 2-4 सीटें कहीं जीत लें, उत्तर प्रदेश में वजूद अपना बना लें। और ओवैसी साहब भी वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद इस सब की बात करनी चाहिए। अगर राजनीति स्वस्थ राजनीति करनी है तो तुष्टीकरण की बात अजमल साहब की जाएगी। जब आप मुसलमानों के बीच में मुसलमानों को उकसाने का बयान देंगे तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको हम कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रदेश है एक आपके पाकिस्तान से बड़ा है शायद, ये दुनिया में 7वां बड़ा देश है उत्तर प्रदेश। आप लोग इस चीज को समझिए। चलिए चलिए अश्वनी, आप वोट मांगने के लिए जाइए, अपने लोगों को समझाइए, ये मत कहिए कि सिर्फ मुस्लिम को मारा गया, आप कहिए अपराधियों को मारा गया और अच्छा काम किया योगी जी ने। जी अश्विनी जी, समय की कमी हमारे पास है, चंद मिनट बचे हैं, अजमल जी से भी जान लेते हैं, नहीं तो वो कहेंगे कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया यहाँ पर। अजमल जी क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने सुन लिया, अश्विनी जी को भी सुन लिया? मैं ये कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, 2 सीट पार्लियामेंट में थी, उसको लेकर 303 पार्लियामेंट में बची किस धारे के नाम, पाकिस्तान कटापान ये वो, अभी वो टीवी पे बोलने लायक नहीं। अरे मेहनत वो लगाने हमने। वाले कौन थे, उन्नाव रेप केस में कौन था? बड़ी पार्टी है, भैया मेहनत किया हमने। अब सुनो, आप भी मेहनत करिए, आप भी बढ़ जाइए। सुन लो ना, यही तो दिक्कत है, एक सेंटेंस बोलो तो बोलने नहीं दोगे, यही तो दिक्कत है। अजमल जी आपको पूरा समय यहाँ पर दिया गया, चलिए अब यहाँ पर समय की कमी हमारे पास है तो इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। अजमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ओवैसी के बयान के बाद यहाँ पर साफ तौर पर जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। अब इसका आगे क्या कुछ, ये पूरी जो सियासत है वो क्या कुछ नया मोड लेकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।